नमस्कार, बोल्सकाय में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही नया शासन लागू हो गया है। तालिबान राज में महिलाओं के लिए ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जिससे अब महिलाओं की जिंदगी इन कानूनों की जंजीरों में जकड़ी रहेगी। शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं के तमाम अधिकार छीन लिए जाते हैं। साल 2001 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तब भी महिलाओं ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था और अब फिर से अफगानिस्तान में वही इतिहास दोहराया जा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं और लड़कियों को उन्हीं नियमों के मुताबिक रहना होगा जो तालिबान ने बनाए हैं, नहीं तो उनकी जान का खतरा है। तो आइए जानते हैं तालिबान के वो 10 नियम जो महिलाओं के लिए किए गए हैं तैयार। अब महिलाएं नेल पेंट नहीं लगा सकती, ना वे अपनी मर्जी से शादी कर सकेंगी। महिलाओं को घर के बाहर निकलने पर बुर्का पहनना अनिवार्य होगा। महिलाएं अब हाई हील्स नहीं पहन सकती, ऐसा इसलिए ताकि महिलाओं के आने की आहट पुरुषों को ना सुनाई दे। पब्लिक स्पॉट पर महिला की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। घरों में खिड़कियां पेंट होनी चाहिए ताकि घर के अंदर की महिलाएं दिखाई ना दें। महिलाएं फोटो नहीं खिंचवा सकती और ना ही उनकी तस्वीरें अखबारों, किताबों और घर में लगी होनी चाहिए। हर जगह से महिला शब्द को हटा दिया जाए। महिलाएं घर की बालकनी या खिड़की पर खड़ी नहीं हो सकती। महिलाएं किसी भी पब्लिक स्पॉट पर अकेली नहीं जा सकती। बिना करीबी रिश्तेदार के बगैर महिलाएं सड़क पर नहीं निकल सकती। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही वहाँ के स्थानीय लोग अपना मुल्क छोड़ अन्य देशों में शरण लेने के लिए भाग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान के नए नियम कानूनों का पालन न करने पर जो उन्हें सजा दी जाएगी वो केवल मौत की सजा है, जिसके डर की वजह से वहाँ के लोग बहुत सहमे और डरे हुए हैं। वहीं अवैध संबंध बनाने पर भी महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी ने टाइट कपड़े भी पहने हैं तो भी सजा दी जाती है। कोई लड़की अगर अरेंज मैरिज से भागने की कोशिश करती है तो उसकी नाक और कान काट दिए जाते हैं। अगर महिलाएं नेल पेंट कर लें तो उनकी उंगलियां काट दी जाती हैं। वेल, अब अफगानिस्तान में आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, इन सभी अपडेट्स और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बोल्सकाय को सब्सक्राइब करना ना भूलें।